उसका ढूंढना पड़ेगा, उसको तरीका ढूंढना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 20 करोड़ मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। ये 14,000 लोग, ये 14 लोग आर्मी है और हिंदुस्तानी हुकूमत और हिंदुस्तान के लोग और हमारे पूरे राज्य मंत्री कोर्ट के अंदर जा रहे हैं कि उनसे हमारे हिंदुस्तान को खतरे है, सिक्योरिटी को खतरे है। वो लोग जो भूखे हैं, खाना नहीं है पेट में, कदम पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके चेहरे में झुर्रियां पड़ी हुई है, ये हमारे लिए खतरा हो सकते हैं और कोर्ट में जा रहे हैं। मेरे भाइयों, अपने आप को खतरा कह रहे हैं। हम 20 करोड़ मुसलमानों को चाहिए कि हम सारे के सारे जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी नेताएं हैं, जितने भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जितने जितने मुसलमानों के और इंसानियत पर जो है पसंद, लोगों के दिल के अंदर दर्द है, वो इकट्ठे हो और आवाज उठाए और आवाज उठाने के साथ साथ हिम्मत हमली अपनाए और पूरे हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान भी अगर 10-10 रुपए इकट्ठे करते हैं कि हम बीमार के वो लोग जो बंगले जो है कश्मीर के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर या बांग्लादेश के अंदर शरण ले चुके हैं, हम उनकी मदद करेंगे, तो बेहतर अमल होगा या नहीं होगा? बताइए, अगर 20 करोड़ मुसलमान 10-10 रुपए देता है तो कितनी बड़ी तादाद के अंदर वहां पैसे जाएंगे और उनकी मदद होगी? उनको खाना मिलेगा, नारा लगाने से पेट नहीं भरता है, मोदी और सोची को कोसने से पेट नहीं भरेगा, एक मतदान ही अपनाना पड़ेगा। इसके लिए सोचिए आप लोग, विद्वान और अक्लमंद लोग हैं।